एक्टर्स को आप इररिलेवेंट फील कराते हैं, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ज्यादती है एक्टर्स के साथ, और ये होती है अवार्ड्स फंक्शंस में। आपको काम दें या ना दें ये आपको घर में पता होता है, लेकिन जब अवार्ड्स पे बुला के आप यंगस्टर्स को आगे और कवि खान और समीना अहमद को कुर्सी ना मिल रही हो ना, तो मैं तो इतना डर गई हूँ कि मेरे पे ये वक्त आए मैं उससे पहले अवार्ड्स पे जाती ही नहीं हूँ। इट हर्ट्स मी। व्हाट डू यू से अबाउट इट? इफ़त, आपकी बातों में बहुत सच्चाई है और मुझे लगता है कि ये शो जो है ये बहुत हिट होने वाला है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे आपका ये शो होगा बहुत सारी सच्चाइयाँ और बहुत सारी जो इंडस्ट्री की ना इंसाफियाँ मैं उनका नाम और सच्चाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक के सामने, व्यूवर्स के सामने आएंगी, और आपको कोई और जस्टिस, कोई कहीं से इंसाफ ना मिले, मिले या ना मिले, लेकिन एक बात बताऊँ, सबसे बड़ा आपको इंसाफ जब मिलेगा, आपको सबसे बड़ा जस्टिस मिलेगा, वो आपकी ऑडियंस है। बिल्कुल सही सर, ये है, ये है। और मैं आपको ये है, आपने कहा इंडिया में ऐसा नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा था कि यहाँ पे एक्टर मर जाए तो उसकी कोई अहमियत होती है, वरना वो बात आप करें जो आप मुझे बता। अहमियत भी मरने के बाद होती है, उस पर भी आप एक फिल्म बनाएं। जी बिल्कुल, आप बताइए। मेरा ये मानना और बड़ी अच्छा पॉइंट है मेरे ख्याल में, इस पॉइंट को जैसे मी टू कैंपेन है, जब हम आते हैं और बात करते हैं, आई थिंक इस ये बात करना, बिकॉज हमारे जो स्टार्स हैं वो हमारे वो दे आर द रियल एम्बेसडर्स फॉर द कंट्री, एंड दे आर द रियल एम्बेसडर एंड दे आर द रियल फेसेस ऑफ द कंट्री। वो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आपको खुशियाँ और आपको इंटरटेनमेंट दे रहे होते हैं, और वो अपनी खुशियों के साथ, वो अगर घर में कोई प्रॉब्लम भी है लेकिन फिर भी सेट्स पर आकर वो हंसते हैं। बिल्कुल, और मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, मुझे एक हफ्ते के बाद शूट पे जाना था, आई वेंट। सर आपने क्या क्या कहा था कि अबाउट एक्टर की जब डेथ होती है तो उसको यहाँ पर जैसे आपने इतनी अच्छी बात की, आपने इतनी अच्छी बात, मैं भी अच्छा काम करना चाह रही थी, आपको पता है मैं भी चाह रही थी एक पॉइंट पर अच्छा काम, अच्छे काम की प्यास थी मुझे, जैसे आपके अंदर एक अच्छे काम की प्यास है। नहीं मिला तो इंडिया पाकिस्तान, और लेकिन उस प्यास को हमें रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल में अब ये पॉइंट, क्योंकि मैं सच बोल दूं, बिल्कुल बोलें, बिकॉज पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कह दो Should I speak about it? आप अगर नहीं दोगे तो हरी मिर्च खिलाऊंगी मैं। हरी मिर्च दोबारा ना खिलाना। अपना अरे बोले बोल दो आपकी इजाजत है। इजाजत है भाई। वैसे मैं काफी अरसे से सारे काम मैं साकिब से मैं इनसे डिस्कस करती हूँ, इनसे एडवाइस लेती हूँ। अच्छा, वन थिंग आई एम कटिंग यू ऑन, शी इज अ वेरी गुड लर्नर। She's an amazing learner. सीखती रहती है, सीखती रहती है। हर काम के लिए आप साकिब से इजाजत लेती हैं, तो आप इजाजत ले रही हैं सच बोलने की। मैं देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि वो मुझे दिल से कह रहे हैं कि बोलो या चुप कर जाओ। देखिए, अगर कोई आपने स्टूपिड बात की तो सेंसर कट करा दूंगा मैं इफ़त से कहकर, लेकिन आई एम श्योर आप कोई बात करेंगे अच्छी है, क्योंकि मैं आपकी आंखों की चमक को समझता हूँ। मुझे पता है जब आप कोई काम की बात करने वाली है तो आपकी आंखों में एक खास लाइट होती है, वो मैं देख रहा हूँ। जल्दी से बोल, पहले के निकले, बहुत शरारती है ये। सच बोलना। अच्छा, सच ये है कि यहाँ पर किसी के दुख को या किसी की प्यास या किसी की आप कोई दुआ या कोई विश या ख्वाहिश, वो ख्वाहिश पनिशमेंट आपके अंदर ही अंदर वो एक रोग कसक तकलीफ, बिकॉज आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं और आपको मौका नहीं मिलता और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, इस बात में कि इसको काम का अच्छा, कितना शौक है। अगर आप सोने के महल में हैं या आपकी जिंदगी बेस्ट है या आप हर चीज परफेक्ट है, जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे डायरेक्टर जो है इज अ परफेक्शनिस्ट, तो जब आपको मौका नहीं मिलता तो वो एक रोग, एक कसक,
उस कसक के साथ जीना बहुत मुश्किल काम है. सो एब्सोल्युटली राइट. द पेन ऑफ नॉट बीइंग हेल्पलेस. इट्स अ हां पेन ऑफ बीइंग हेल्पलेस. हां वो किसी चीज की भी हो सकती है. किसी भी चीज की. हां वो किसी चीज की भी हो सकती है. वो आपका आपको अपने अगर आप टैलेंटेड हैं तो वो अगर बहुत सारी ये नहीं कि सर मैं एक एक्टर हूँ और आप हैं और हमारे अंदर तड़प है या साकिब एक नई फिल्म बनाना चाहते हैं इनके अंदर वो तड़प है तो वो किसी चीज़ की भी तकलीफ हो सकती है. तो कसक जो वो आपको जीने नहीं देती. इसका मतलब है कि आप जिंदा हैं लेकिन एक जिंदा लाश. आपको लोगों को आपको हंसता हुआ चेहरा ज़रूर नज़र आता है लेकिन अंदर से आप एक डेड सोल हैं. आपके अंदर ज़िंदगी नहीं है. इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान में स्पेशली इस मुल्क में तो किसी जानवर को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता. तो इंसान को कैसे मोहब्बत और वो उसकी चीज़ों उसकी ख्वाहिश की तकमील होगी या उसको कैसे. जैसे अगर हम जाते हैं अब्रोड तो मैं सोचती हूँ कि जब हम बात करते हैं कि आई रियली वॉन्ट टू डू मैं ये करना चाहती हूँ तो मेरे सामने 10 लोग खड़े होते हैं. मेरी डिजायर को मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हैं. सो राइट. मुझे right. सुनना चाहते हैं. मेरी उस प्यास की रिस्पेक्ट करते हैं. मुझे मोहब्बत फिर हमारे अंदर जज्बा. हमने पाकिस्तान के लिए जीना मरना है और जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो उस प्यास की वो डिजायर और उनको कत्ल हर रोज उसका कत्ल होता है. हर रोज आपकी उस तड़प का उस हर रोज. I'm getting you. You're getting me ना. I'm getting you. Thank you so much, Iffat. Absolutely. And क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कि उस तड़प के साथ आप मर जाएं, तब इन सब लोग यकीन करते हैं कि आपकी वो जो तड़प थी ना, तो तब ये आपकी उस तड़प को कि ओह ये तो मर गया, अरे वो जिंदा है, उसको सुनो, उसकी बात सुनो, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या चाहता है, उसकी क्या डिज़ायर है. आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. उसको वो दो जो वो चाहता है मौके नहीं है लोगों के पास. देखे पूरी दुनिया. It was beautiful. पूरी दुनिया में. It was beautiful. You're so right. पूरी दुनिया. आप डायरेक्टर्स को खुद अप्रोच करते हो दैट आई वांट टू वर्क विद यू. बहुत बड़ी सिंपल होती है. व्हेन यू हैव अ प्रोजेक्ट दैट समबडी इज राइट फॉर. आई एम अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन एंड एवरीबडी हु नोज कि आई नथिंग एल्स मैटर्स टू मी. काम काम है. रिलेशनशिप्स हैं अपनी जगह. मैंने कभी चीज नहीं थी आपके साथ. आप ये कह रहे हैं मुझे. नॉट एट ऑल. यू नो द प्रॉब्लम. ऐसी बात कर रहे हैं. आई एम ग्लैड. आई वांट दिस. इवन इफ आई वाजंट. नो आई टेल यू. आई टेल यू. बट आई लव दिस शो बिकॉज़ आई लव द वे वी कैन टॉक फ्रीली इन इट. ये कैसे किस शो में हो रहा है. बिल्कुल सही कह रहे हो. ये आपके शो में हो रहा है. बिल्कुल सही कह रहे हो. मसला ये है कि यू ऑलवेज बीन सो ग्लैमरस. या इवन व्हेन आई हैव सीन यू एज अ ऑन टीवी As a girl from next door, मुझे I've always seen you as so glamorous. अब अक्सर हमारे मुझे मेरे directors कहते हैं तुम गरीब नहीं लगती. हाँ वो अक्सर. अच्छा अब mother कर जब होता है role तो उसमें आपको चाहिए वो एक टिपिकल वो स्टीरियोटिपिकल एड्स की दुनिया में तो बहुत ही गाइड गुजरे हैं. लेकिन इफ्फत आपने बहुत खूबसूरत काम किया. थैंक यू. मैंने आपकी बहुत सारे आप इनके शूट्स देखे. सबसे ज्यादा आपका खूबसूरत फोटोजेनिक चेहरा. आपको अंडर एस्टिमेट में बताना चाहती हूँ आपके जवाब से और ऐसा चेहरा किसी के पास भी नहीं है. एग्जैक्टली. और आप इतनी टैलेंटेड. अच्छा मेरी तारीफ ना करो ना. सीरियसली. अजय मगर मैं एक चीज बताऊँ की आप मैं अब ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और हम अभी सब ऑनेस्ट हुए हैं और आई थिंक आप एक आपने एक ऐसा एटमोसफियर बना दिया कि हम लोग खुल के बात कर सकते हैं. मैं मीरा की इस बात से 100% एग्री करता हूँ और आपकी बात से भी कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है स्पेशली फॉर एक्ट्रेसेस ओवर अ सर्टेन एज टू बी गिवन रिस्पेक्ट एंड टू बी गिवन द काइंड ऑफ रोल. जब आपको काम सीखना जब काम आ जाता है सर वो रोल्स कैसे. अच्छा सुनो ना मुझे अपनी बात खत्म करने दो. मुझे पहले अपनी बात. पहले नहीं. अच्छा पहले पहले पहले. अच्छा सुनो ना पहले मुझे खत्म करने दो. इंडस्ट्री के अंदर
खत्म करने दो ना, कि जब इंसान को काम आ जाता है, जब आपको शऊर आता है, अब मैं जब 53 का हूँ, अब मुझे काम में शऊर आया है, प्रोड्यूसर आया, हाँ तो मैं कह रहा हूँ शी इज बिकम अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बन सकती है, बनी तो हुई पूरी दुनिया में. आप ये देखें, अब मैं आपको ये बताऊं, आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, किसी के इंतजार में ना हो. भी जो टॉम क्रूज अपनी फिल्में खुद प्रोड्यूस करते हैं, पूरी दुनिया में लोग ये कर रहे हैं, शाहरुख खान अपनी फिल्में खुद प्रोड्यूस करते हैं. ओके, इफ आई प्रोड्यूस, विल यू डायरेक्ट फॉर मी एंड विल यू एक्ट फॉर मी? You will act in what you produce, and so will she. I'll take it. Do a. I think I tell you right now. Do a terrific sitcom with two sisters. I am interested in more like that series, जिसमें वो सारी अबाई हैं, Reese with a spoon. Yeah, yeah, yeah. Little Lies. Do it. Do something it. Like that. Yes, there's but so much you can do. But I think अब वक्त आ गया है तब्दीली का. बिल्कुल तब्दीली का वक्त आ गया, और मैं आपको ये भी बताऊं कि there are a lot of haters in the world, और आपका for example Sir, people come. Sir, उसका dialogue क्या था? बाजी फिल्म का डायलॉग क्या था? यू लव मी, लव मी और हेट मी, बट यू कैन नेवर रिप्लेस मी. ये सुना है इनको, बल्कि आपको आप ये डायलॉग आपको बोला.